हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हमारे पास आज फोर्ड 3600 आया है, जिसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो जो इसका डीजल पंप है ट्रैक्टर का, उसमें इसके लीकेज आ रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। देख सकते हैं आप यहाँ कुछ में काला तेल, जिसको ब्लैक ऑयल बोलते हैं। देख सकते हैं आप, इसका सारा का सारा ब्लॉक खराब हो रहा है। तो ये लीकेज देखने वाले हम कहाँ पर है और क्यों है, किस वजह से है, ये भी चेक करेंगे। जहाँ तक कि मुझे उम्मीद लग रही है, इसके जो डीजल पंप का जो जैन होता है वो लीकेज है, और बाकी और खोलने के बाद पता लगेगा। तो सबसे पहले हम इसका डीजल पंप बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाहर निकालने के लिए हमें क्या क्या खोलना पड़ेगा, इसकी जो डीजल फिल्टर बॉडी है वो डीजल फिल्टर बॉडी खोलनी पड़ेगी, और जो सभी पाइपलाइन है वो हटानी पड़ेगी, और हमारा जो सेल्फ है वो भी हमें खोल के लेना होगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी हम इसकी जो फिटिंग है वो खोल लेते हैं, और खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने देख सकते हैं आप, इसकी जो फिटिंग है वो सभी खोल लिया है, और अब हम इसका जो रेडिएटर का पाइप है वो हटा लेंगे। और उसको हटाने के बाद एक अंदर की साइड रेडिएटर के पास टाइमिंग कवर पर 13 नंबर के बोल्ट की एक प्लेट लगी होती है, जो कि डीजल पंप का टाइमिंग सेट होता है। एडवांस स्टार जहाँ से होता है वहीं से ट्रैक्टर एडवांस स्टार होता है। तो सबसे पहले हम उसको प्लेट को खोल लेंगे, और खोलने के बाद हम इसका जो डीजल पंप है उसके बोल्ट खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसका जो डीजल पंप है वो बाहर निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप, ये 13 mm के बोल्ट होते हैं यहाँ पर। तो मैं ये प्लेट खोल लेता हूँ, और खोलने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, हमने इसकी जो आगे की प्लेट है वो खोल लिया, और अब हम जो इसके अंदर की साइड 13 mm के बोल्ट होते हैं, जो कि गरारी को रोक के रखते हैं, एडवांस स्टार करने के काम भी आते हैं, हमें काम में भी आते हैं। तो उन बोल्टों को खोल लेंगे। इसमें बारीक चूड़ी का बोल्ट होता है, 3 बोल्ट होते हैं, और एक पत्ती होती है 3 बोल्टों की पूरी की पूरी। तो उसको भी बाहर निकाल लेंगे, और इसको खोलने के बाद हम इसको डीजल पंप को बाहर निकाल लेंगे इसके। और निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और क्यों इसके डीजल पंप से काला तेल बाहर आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आप हम अपनी वीडियो जब भी अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन द्वारा पता चल जाए। तो हमने इसके डीजल पंप के बोर्ड भी खोल लिया, देख सकते हैं, और हम इसका डीजल पंप जो है वो बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालने के बाद देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, और किस किस वजह से ये इसमें काला तेल आ रहा है। तो देख सकते हैं आप, इसके जो पैकिंग तो सही था, जो इसके जो ये 3 बोल्ट लगते हैं डीजल पंप के, ये किसी ने फ्री कर रखे हैं, तीनों के तीनों ही, इनकी जो चूड़ी है वो फ्री हो रही है, हो रखी है, सिर्फ एक की सही है और दो की चूड़ी फ्री है। देख सकते हैं आप, किसी ने ये बोल्ट भी पीट कर लगा रखे हैं। तो यही वजह थी इसमें जो दोस्तों काला तेल आ रहा था जो डीजल पंप में। तो देख सकते हैं आप, अपने डीजल पंप अच्छे से वॉशिंग करके ले लिया है, और अब हम इसमें यहाँ पर इसमें 2.5 की चूड़ी काट के, ढाई का ढाई ढाई और तीन तीन की चूड़ी काट के, सॉरी 3 की चूड़ी काट के इसमें 2.5 और 3 का स्टड फिट करने वाले हैं इसमें। और स्टड फिट करने के बाद हम इसमें इसको जैन लगाकर फिटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें चूड़ी काट लेंगे तीनों के तीनों बोल्टों में ही, और चूड़ी काटने के बाद हम इसमें जो स्टड होते हैं, पहले बोल्ट लगे हुए थे इसमें, और अब हम इसमें स्टड फिट करने वाले हैं। स्टड फिट करने के बाद हम इसमें जैन लगाएंगे, और इसको अच्छे से फिटिंग करके लेंगे। फिट करने के बाद देखते हैं क्या रहता है और क्या नहीं रहता।
और वीडियो में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो जानकारी आपको इतनी ज़्यादा मिल नहीं पाएगी, जिससे आप कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो हमारी चूड़ी कट चुकी है 3 वोल्ट में, और अब हम इसको स्टार्ट होते हैं। देख सकते हैं चूड़ी हमने इसमें काट ली है, इसमें बंसूती की मदद से चूड़ी कटती है, और ये इसका जैन है। और मैं इसमें जो स्टड है, मैं स्टड लेके आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ स्टड किस तरीके के लगने वाले हैं। कुछ इस तरीके के स्टड होते हैं, 3 ढाई के स्टड बोलते हैं इनको। तो ये फिट कर लेंगे हम, फिट करने के बाद इनको डबल जो नट होते हैं इनका, डबल लॉक करके नट को इस तरीके से इनको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हम इसको स्टड को टाइट करने के बाद स्टड टाइट सॉरी नट लॉक करने के बाद स्टड को टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद फिर हम इसमें जेल लगाकर इसके पंप को फिटिंग करेंगे। तो मैं ये स्टड टाइट कर लेता हूँ जल्दी से, और फिर आपको दिखा। तो दोस्तों हमारे स्टड जो है लग चुका है, और ये इसका पंप है। तो पंप फिट करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। जैन लगाकर और सभी स्टड लगाने के बाद इसको पंप को हम अच्छे से फिट कर लेंगे, ये कुछ इस तरीके से। और हाँ, एनामोंड भी लगा लेंगे जैन पे, जिससे कि थोड़ा बहुत अगर कुछ लीकेज वीकेज जाए तो एनामोंड से रुक जाए, क्योंकि इसका जो पंप का फेस है, किसी मिस्त्री ने वो पंप के फेस पर भी कुछ चोट मार रखी है, क्योंकि पहले पैकिंग उतारा हुआ था, उसमें चोट मार रखी है, इस वजह से थोड़ी एनामोल्ड लगानी पड़ती है, वरना हम एनामोल्ड से काम नहीं करते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें इस काम में साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर थोड़े हम गंदगी में काम करेंगे तो कुछ पता नहीं चलता है, और ट्रैक्टर की जो फिटिंग है वो प्रॉपर अच्छे से नहीं आती है। तो हमारा ट्रैक्टर अच्छे से फिट हो चुका है, आप देख सकते हैं। हम इसकी जो फिटिंग है वो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद आपको ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाने वाले हैं। ये इसका डाफ्राम का पाइप होता है, अगर ये लूज जो मैं टाइट कर रहा हूँ, अगर ये लूज हो गया तो ट्रैक्टर हमारा रेस पकड़ लेगा और इसकी जो है रेस कम नहीं होगी, और वाइट स्मोक मारना शुरू कर देगा। तो इस पाइप को अच्छे से टाइट कर लें, ये ध्यान रखने वाली चीज होती है दोस्तों। अब हम इसकी जो है डीजल की हवा निकाल लेंगे फील्ड पंप की मदद से। हवा निकालने के बाद फिर हम इसको जो आगे का टाइमिंग है वो फिट करेंगे, और टाइमिंग फिट करने के बाद मैं आपको इसे स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ ट्रैक्टर को, कि हमारे ट्रैक्टर की आवाज, और हाँ एडवांस स्टार्ट भी करके दिखाऊंगा हमें अपने ट्रैक्टर की आवाज कहाँ पर रखनी चाहिए और कहाँ पर नहीं। तो हमारी डीजल की हवा निकल चुकी है, आप देख सकते हैं, और डीजल की हवा निकलने के बाद अब हम इसमें सेल्फ मार के इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम इसमें हमारी हवा निकल चुकी है, सब काम कंप्लीट हो चुका है। जो एरेटर का पाइप है वो हमने अभी बाहर निकाल रखा है, क्योंकि उसको हम बाद में फिट करेंगे, एडवांस स्टार्ट करना पड़ता है। तो अब हम ट्रैक्टर में सेल्फ मारते हैं और आपको आवाज सुनवाते हैं ट्रैक्टर की क्या आवाज। तो सबसे पहले हम नोजल के पाइप की जो हवा है वो निकाल लेंगे सेल्फ की मदद से, और जब हमारा ऊपर को इसमें डीजल आना शुरू हो जाए तब इसको पाइप को टाइट करने के बाद इसको स्टार्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, और आपको आवाज सुनवाएंगे कि हमारे ट्रैक्टर जो फोर्ड 3600 है उसकी आवाज कैसी आ रही है, साउंड कैसा आ रहा है ट्रैक्टर का। चलिए हमारे बोल्ट टाइट हो चुके हैं, और अब हम इसमें सेल्फ मारते हैं। भाई जो नोजल के पाइप है ये अच्छे से टाइट कर लेते हैं, कर लेने चाहिए, क्योंकि लीकेज हो गया तो ट्रैक्टर में मिसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है।
अच्छे टाइट करके ले लेंगे। और ऊपर की साइड से हमने नहीं किए थे, सिर्फ हमें डीजल की लीकेज जो है वो बंद करनी थी, तो हमने इसमें सेल मार दिया और टैक्सी स्टार्ट हो चुका है आप देख सकते हैं। तो और आवाज़ भी देखो आप, टैक्सी आ रही है हमारे ट्रैक्टर की, यहाँ पर आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, ना ज़्यादा एडवांस है और ना ज़्यादा बेकार है। तो उस ट्रैक्टर को यहीं पर फिटिंग मार देंगे। और रेस की जो है एयर, ये एयर के ही वजह, एयर जो एयर का क्लीनर होता है इसका रेस का सिस्टम वहाँ पर होता है क्योंकि ये डाफ्राम है। तो हमारा ट्रैक्टर की आवाज़ जो है वो कंप्लीट बढ़िया हो चुकी है। और हम दोबारा सेल्फ मार के देखते हैं तो तुरंत हाफ सेल्फ पे ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा है। और मैं आपको स्मोक भी दिखाता हूँ, ट्रैक्टर में कोई स्मोक इतना नहीं है क्योंकि ये सादा ट्रैक्टर है तो थोड़ा स्मोक तो ज़्यादा होगा ही। अब हम इसको बंद करने के बाद इसकी प्रॉपर फिटिंग मार लेते हैं ट्रैक्टर की, फिटिंग करने के बाद आपको मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा ट्रैक्टर प्रॉपर फिट हो चुका है और आवाज़ भी चेक कर सकते हैं आप, साउंड किस तरीके की आ रही है। तो दोस्तों हमारा ट्रैक्टर कंप्लीट हो चुका है और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।